नमस्कार, आज हम बहुत कम तेल में एक ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे और इसका टेस्ट आपको डीप फ्राइड जैसा ही आएगा। तो इसके लिए आप इंग्रेडिएंट देख लीजिए। सामग्री जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप हिंदी में और इंग्लिश दोनों में चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और ज़रूरतमंद लोग या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन 1 कप, 1 चम्मच जो है छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 से भी थोड़ा सा कम हल्दी चाहिए हमें और नमक आपके स्वादानुसार लीजिए। बेकिंग सोडा है ये खाने वाला सोडा, 1/4 टीस्पून आपको लेना है या फिर 1/3 टीस्पून। और इसमें हम अभी पानी डालेंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, आप चाहे तो 2 डाल सकते हैं लेकिन 1 अंडा काफ़ी हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसमें अंडा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसका देखिए इस तरीके से एक बैटर तैयार हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है या फिर बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दीजिए और थोड़ा मिक्स कर लीजिए फिर से। अभी हमारा बैटर जो है रेडी हो गया है। अभी मैं ले रही हूँ 4 स्लाइस ब्रेड, इसको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। देखिए इस तरीके से, साइड का नहीं निकाला है मैंने, आप चाहे तो साइड साइड काट सकते हैं। और एक फ्राइंग पैन गरम कर लिया है मैंने और ये ऑलरेडी गरम हो चुका है। और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और हमारा जो बैटर था इसमें ब्रेड को ऐसे इस तरीके से डीप कर लेंगे और हम इसको तलने के लिए रख देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर जो है जैम या फिर हनी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अंदर से मीठापन के लिए, मिठास के लिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसको हम आपके जो गैस का फ्लेम है इस समय थोड़ा मीडियम रखें और इस तरीके से आप पलट लीजिए और दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लें। आप बहुत कम तेल में इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप डीप फ्राई करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरीके से जब बनाएंगे तब 1 ही चम्मच में आपको टेस्ट भी सेम ही आएगा ब्रेड पकौड़े की। तो एक बार ज़रूर बनाएं। आपका जो ब्रेड पकौड़ा है कैसा बना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो हमारा ब्रेड पकौड़ा जो है रेडी हो गया है। इसको आप इमली चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।